ये 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए, ये यहाँ से हम घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैंने चोली को जोड़ा नहीं है। अब देखिए, आप थोड़ा नीचे से जोड़ेंगे तो कान्हा जी को पहनाने में आसानी होगी, इजीली पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ से हम घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से टर्न करेंगे और चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई, ये एक डबल क्रोशे काउंट करेगी करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इस वाली चेन में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए, और इससे अगले वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे और ये एक और डबल क्रोशे। तो इस वाले राउंड में हम सभी चेनों में दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, जो हमारा घेर है, इस वाले घेर में हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशे थे, 6 यहाँ पे, 6 इस वाले पल्ले में और यहाँ पे 12 बैक में। तो टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशे थे इस घेर में, इस चोली के घेर में जो है लास्ट वाली में। तो अब यहाँ पे हम सभी में दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, इस तरह से घेर बनाया, सभी में दो दो डबल क्रोशे, फर्स्ट और लास्ट में एक एक डबल क्रोशे। अब देखिए, लास्ट में जो है ये 3 चेन है, उसमें से जो सबसे ऊपर वाली चेन है एक डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें। अब देखिए, तो इस तरह से हमारी चोली बनी। इसको ऐसे टर्न करेंगे, फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे जो ये है थर्ड वाली चेन में, अब यहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे, अपने घेर को यहाँ से जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से ये यहाँ पर। अब देखिए, नेक्स्ट वाली के लिए, नेक्स्ट रो के लिए 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, सेकंड चेन में एक डबल क्रोशे और ये थर्ड वाली चेन में 1 और ये 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम हर तीसरी चेन में इंक्रीज करेंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशे, सेकंड वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे और जो ये तीसरी चेन है, थर्ड वाली चेन है, इसमें 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2। तो इस तरह से ये बनाते जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारा घेर बनता जाएगा। तो अब लास्ट में बहुत ही सिंपल है, हमें एक फ्लैट सर्कल बनाना है। तो ये किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए ये सिंपल सर्कल। अब देखिए, थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये वाला राउंड ऐसे बन गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए, 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। सेकंड वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे बनाएंगे, थर्ड वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे और देखिए फोर्थ वाली चेन में एक डबल क्रोशे, यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे और ये 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम हर फोर्थ चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, बाकी एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट में एक डबल क्रोशे, सेकंड में एक, थर्ड वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे और देखिए फोर्थ वाली चेन में 1 और ये 2। तो हर चौथी चेन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते जाते हैं वाला। देखिए, इस तरह से हमारा घेर बनेगा। अब देखिए, यहाँ से हम थर्ड वाली चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इसको, अपने पैटर्न को यहाँ से ऐसे। अब देखिए, ये जो हमारा घेर है, इसमें लगभग हमारी 75-75 डबल क्रोशे हैं। इनको आप यहाँ से हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे इस राउंड से। तो देखिए, तो हम 75 हैं, तो मैं इस राउंड में 3 फ्लावर बनाऊंगी। तो उसके लिए देखिए, मैं फर्स्ट फ्लावर यहाँ से बनाऊंगी। 3 फ्लावर का मतलब आप 25-25-25 के डिस्टेंस पे 3 फ्लावर बना सकते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे बनाया, स्टार्ट किया फर्स्ट वाले से। तो देखिए, तो यहाँ पे हम एक दूसरे कलर की थ्रेड जोड़ेंगे जिससे हम फ्लावर बनाएं, डिफरेंट कलर की। ये देखिए, स्लिप नॉट बनाया और यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने इसको जोड़ लिया अपनी थ्रेड को और एक चेन बनाई, 2 और ये 3 चेन है, एक डबल क्रोशे काउंट होगी। अब ये जो है, इनको ऐसे साथ में बुन लेंगे। अब इसी सेम चेन में हम 2 डबल क्रोशे, यहाँ से हम बेस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं फ्लावर का, और ये 3 डबल क्रोशे और ये 4 डबल क्रोशे
और पांच, पांच डबल क्रोशे बनाए हमने सेम चेन में। अब देखिए यहाँ से पांच डबल क्रोशे बनाए और ये यहाँ से अब थ्रेड चेंज करेंगे, बस हमें इतना ही चाहिए। ये देखिए पांच डबल क्रोशे बनाए, अब जो है बाकी हम ये देखिए डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ से हम, जैसे हम बनाते हैं इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे हमने हर फोर्थ चेन में इंक्रीज़ किया था, बढ़ाया था, तो इस वाले में हम हर फिफ्थ चेन में बढ़ाएंगे। देखिए फर्स्ट में तो हमने ये बना दिया तो एक, और ये सेकंड में एक, ये हम इसको एक यहाँ से मानेंगे, और ये सेकंड थर्ड वाले में एक, देखिए फर्स्ट में एक, सेकंड में एक, थर्ड वाले में भी एक डबल क्रोशे, फोर्थ वाले में एक, और हर पाँचवें फिफ्थ वाले में दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये। आप कोई सा भी कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, फिफ्थ में दो। तो इस तरह से हम 25 चेन तक आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार, और यहाँ पे 25th में मार्क लगा सकते हैं। तो इस तरह से बनाते जाइए। देखिए मैंने यहाँ से देखिए काउंट करके एक दो तीन चार इस तरह से 25th वाले में ये मार्क लगा दिया। आपके पास मार्कर है तो मार्कर, नहीं तो कोई डिफरेंट कलर की बुल भी यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि हम बना सकें। तो हम हर फिफ्थ में दो डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचते हैं कि जो यहाँ पे हमने ये बनाया है डिफरेंट कलर से, चाहे तो आप इसको सीधा ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, कट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से कट भी करना चाहते हैं तो ये जो दो लूप्स हैं, दो सिरे हैं, इनमें नॉट लगा के आप कट कर लीजिए और नए सिरे से वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है फ्लावर्स के बीच में, तो ऐसे नॉट लगा लेंगे। और ये जो लूप हैं, ये जो ये हैं, इनको लूप्स के अंदर डालते हुए हाइड कर लेंगे, कट कर लेंगे यहाँ से थ्रेड को हम। अब इन दोनों को लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमने मार्क लगाया हुआ था अपनी थ्रेड को। अब देखिए यहाँ से फिर डबल क्रोशे एक ही बार निकालेंगे यहाँ से। देखिए अब हमें नई लूप, नई थ्रेड ज्वाइन करने का सबसे इजी तरीका, तो देखिए स्लिप नॉट बना के ये जो डबल क्रोशे है इसको एक ही बार निकालेंगे। नेक्स्ट के लिए हम, सेकेंड टाइम के लिए हम ये जो थ्रेड को निकालेंगे ऐसे। तो अब ये वाला जो मार्क है ये हटा लेंगे। अब यहाँ से जो ये है इनको साथ साथ बुन लेंगे, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है यहाँ से। ये देखिए इस वाली चेन में फिर 25th। आपके अगर कम ज़्यादा हैं स्टिचेस, 70 हैं, इस हिसाब से आप तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर 23, 24 भी हो जाए, कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, पैटर्न अच्छा बनेगा। क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा गैप है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। चार और ये पाँच, पांच डबल क्रोशे। अब देखिए अब यहाँ से थ्रेड चेंज कर लेंगे, हमें इतना ही बनाना है। ये देखिए ऐसे, और फिर ये जो थ्रेड है इसको साथ साथ बुन लेंगे, जो एक्स्ट्रा थ्रेड, इसको पीछे से कट करके आप चाहें तो नॉट मार के साथ साथ बुन सकते हैं। तो यहाँ से कट कर लीजिए क्योंकि गैप ज़्यादा है तो, और नॉट लगा के फिर ऐसे ही आप तीन जगह ये ऐसे बना लेंगे। ये दो हो गया, एक जगह और बना लेंगे हम। इसके बाद देखिए वैसे ही बढ़ाते जाना है, हर फिफ्थ चेन में इंक्रीज़ करना है क्योंकि ये राउंड हमने ऐसे ही बनाया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हर फिफ्थ चेन में इंक्रीज़ करेंगे, फर्स्ट में एक, सेकंड में एक, थर्ड में एक, फोर्थ में एक, और फिफ्थ में दो। इस तरह से एक और ये दो, सिंपल। अब जहाँ से ये हम ये वाला कलर एंड करेंगे वहाँ से हम फिर एक दो तीन चार पाँच से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जितने पर भी एंड हुआ है फिर यहाँ से हम नए से स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार, फिर फिफ्थ वाले में इंक्रीज़ करेंगे। तो ऐसे ये हम बनाते जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर भी मार्क लगा दिया है मार्कर, तो इस तरह से हम यहाँ पे जैसे हमने फाइव डबल क्रोशे बनाए हैं, इस वाली चेन में भी फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये ऐसे बनाएंगे। ये देखिए हमने ये तीन जगह ये पेटल्स बना लिए पैटर्न। अब लास्ट में ये जो थ्री चेन हमने बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें से थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहीं से हम थ्री चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करने के बाद थ्री चेन। अब देखिए जो हमारे पेटल्स हैं, ये जो डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर, ये जो फ्रंट लूप और बैक लूप, बैक लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह, और इसके नेक्स्ट में ये देखिए आगे और ये पीछे, पीछे वाले जो लूप में जो चेन है उसमें डबल क्रोशे बनाएंगे।
इस तरह। और ये सभी बैक लूप्स में जितना भी ये है, 5 तो हमारे पास थे, तो इसमें देखिए 5 डबल क्रोशे के ऊपर बैक लूप में बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम, ये देखिए जो है, ये सभी डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इन दोनों के बीच में जितने भी डबल क्रोशे हैं उनका हाफ करके मार्क कर लीजिए, और यहाँ पर हम एक पेटल और बनाएंगे। सेम ऐसे ही आप कोई से भी कलर का थ्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ तक डबल क्रोशे बनाते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया पेटल। तो इसमें हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, और जो ये एक चेन में 5 ये डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे जब हम फ्लावर पेटल बनाएंगे, और बाकी सभी में डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाने हैं, कुछ भी नहीं बढ़ाना है। तो इस तरह से अब इनके बीच में बनाएंगे, ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे इन दोनों के बीच में, फिर ये इन दोनों के बीच में एक पेटल बनाएंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पर पहुँचते हैं, तो इसमें हम देखिए बैक और फ्रंट लूप को स्किप करके जो बैक लूप है इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। जो हमने पेटल बनाया है 5 डबल क्रोशे, इसमें हम बैक लूप में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और इस तरह से देखिए हम ये बीच में इनके ये नेक्स्ट वाली लाइन में से 5 डबल क्रोशे यहाँ बनाएं, तो इस वाले राउंड को पूरा इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। अब लास्ट में 3 चेन है, 3rd वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे ऐसे, और एक चेन बनाते हुए अपनी जो थ्रेड है उसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये, और ये जो है इसमें हम बॉर्डर बना लेंगे, आउटलाइन बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए, चाहे तो आप इसी सेम इसी कलर के धागे से इसी से एक राउंड और बना सकते हैं डबल क्रोशे का, या फिर मैंने यहाँ पे देखिए कट करके नई कलर की थ्रेड ज्वाइन करी है। और सिंपल कुछ नहीं करना इस राउंड में, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है। देखिए किसी भी चेन में क्रोशे को डालेंगे स्लिप नॉट को, और ये देखिए इस तरह चेन बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इन दोनों को साथ साथ बुन लेंगे ताकि हाइड हो जाए। आप ये वाली थ्रेड से जिससे पहले बना रहे थे सेम यही कलर से एक राउंड और रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सभी चेनों में हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये देखिए ये वाली थ्रेड जो है साथ साथ बुन लेंगे, जिससे निकलेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं। और जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो बैक लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने ये वाले राउंड बनाए, तो इस तरह से ये राउंड बनाते जाएंगे। देखिए अब हमने ये बनाया, अब हम जैसे यहाँ पहुँचे तो देखिए ये जो बैक लूप है इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। जब हम ये फ्लावर पेटल में पहुँचेंगे बैक लूप में डबल क्रोशे, और बाकी सभी में एक एक डबल क्रोशे रिपीट करते जाएंगे सभी डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। देखिए ये शेप कुछ इस तरह से आया। ये अब जो है 3rd वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे, और चेन बनाते हुए थ्रेड को कट कर लेंगे। सिंपल है, पैटर्न भी बहुत ईजी है। अब ये देखिए ऐसे ही हम इसका बॉर्डर भी बना लेंगे और बाजू भी बना लेंगे। जब आप चोली बनाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा चोली का, तो उसमें आप बॉर्डर बनाना भी देख लीजिएगा। देखिए इस तरह से ये हम फ्लावर पेटल बनाएंगे इनमें। तो जो हमने 5 डबल क्रोशे एक साथ बनाए उनमें, तो कोई भी कलर का डिफरेंट कलर का थ्रेड लेंगे और स्लिप नॉट बनाएंगे। अब अपने पैटर्न को पकड़ेंगे, देखिए कहीं से भी जो ये है, देखिए जो हमारा लूप है जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशे है इसमें क्रोशे को डालेंगे। फ्रंट लूप था ये, बैक लूप में हमने काम किया था, फ्रंट लूप में करेंगे स्लिप नॉट को डालेंगे इस तरह, और चेन बना के थ्रेड को अटैच करेंगे। एक चेन, दो चेन, और ये तीन चेन, तीन चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगी। अब सेम इसी वाली जो चेन है इसमें एक डबल क्रोशे और बनाएंगे इस तरह, फिर एक चेन बनाई। अब देखिए चेन बनाने के बाद ये जो दो लूप है ना नीचे चेन के नीचे, ये देखिए ये वाले, इसमें क्रोशे को निकाल के स्लिप स्टिच करेंगे पिकॉट। देखिए एक छोटा सा पर्ल बन गया। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3, 1, 2, और ये 3, 3 चेन बनाएंगे और सेम चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। तो ये हमारा जो ये फर्स्ट पेटल बना। अब देखिए
ये जो धागा है इसको साथ साथ बुन लेंगे ऐसे, ताकि ये निकले ना और दिखे भी ना। और जो अगली वाली चेन है इसमें क्रोशियो को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और इसी तरह से पेटल बनाएंगे, थ्री चेन और सेम चेन में एक डबल क्रोशिए ऐसे, और एक चेन। अब ये जो चेन के नीचे ये दो लूप हैं ये वाले, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे क्रोशियो को डालते हुए इस तरह। अब तीन चेन बनाएंगे, तीन, और सेम चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए दो पेटल बन गए। जितने हमारे पास फाइव डबल क्रोशे थे तो उसमें फाइव चेन है, तो फाइव चेनों में फाइव पेटल्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले पेटल में स्लिप स्टिच, ये देखिए, फिर एक, दो, और ये तीन चेन बनाएंगे, डबल क्रोशे, एक चेन। अब जो नीचे की दो लूप है ये वाली, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर थ्री चेन बनाएंगे और सेम चेन में स्लिप स्टिच ऐसे। तो ये इस तरह से बनाते जाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और ये पेटल बनाएंगे, फाइव पेटल बनेंगे फाइव चेन में जो ये है इस तरह। ये फाइव पेटल्स बना लिए थ्री चेन बनाने के बाद। सेम चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, जो लास्ट वाला पेटल है इसमें देखिए। स्लिप स्टिच करने के बाद अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा, ये सबसे पहले तो एक चेन बनाएंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह। और ये जो ये वाली थ्रेड है इसको भी कट कर लेंगे जो हमने साथ साथ बुनी थी, क्योंकि अब ये निकलेगी नहीं, दिखेगी भी नहीं। और इसको भी हम क्रोशियो किया सुई की हेल्प से इन लूप्स में डालते हुए हाइड कर लेंगे, दिखेगी नहीं। तो ये पेटल देखिए, ये फ्लावर इस तरह से बनेंगे, बहुत ही ईजी हैं। तो इन सभी में आप बनाते जाएंगे इस तरह, ये देखिए। तो एक बार और देखिए, सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाते हैं फ्लावर बनाने के लिए। देखिए ये जो हमारे ये हैं फाइव डबल क्रोशे के साथ बनाए थे, ये जो सबसे फर्स्ट वाला है उसकी चेन जो फ्रंट लूप वाली है, इसमें स्लिप स्टिच को डालेंगे और चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, थ्रेड को अटैच करते हुए चेन बनाई, थ्री। अब सेम इसी जगह में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन में। अब एक चेन बनाई और ये जो एक चेन के नीचे दो लूप हैं ये देखिए, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे क्रोशियो को डालते हुए ऐसे, पिकॉट पल बना। अब थ्री चेन बनाएंगे यहाँ से और ये जो थ्रेड है इसको साथ साथ बुन लेंगे और सेम चेन में स्लिप स्टिच करेंगे थ्री चेन बनाने के बाद इस तरह। तो ये हमारा फर्स्ट पेटल बना पहला। अब देखिए जो नेक्स्ट वाली चेन है क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर और फिर थ्री चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और ये जो दो लूप हैं एक चेन के नीचे ये देखिए ऐसे स्लिप स्टिच करा, ये देखिए ऐसे बना, फिर थ्री चेन यहाँ से और सेम चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, ये देखिए ये सेकंड पेटल बना। तो ये इस तरह से पेटल बनेंगे और अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच और फिर थ्री चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन। तो इस तरह से ये हम अपने पेटल बनाएंगे, टोटल फाइव चेनों में फाइव पेटल्स बनाएंगे, जैसे हमने ये बनाए हैं देखिए ये। तो ये फ्लावर पेटल्स बनाते जाएंगे इस तरह, इस तरह से पेटल बने। एंड में देखिए स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे और अपनी जो थ्रेड है इसे कट कर लेंगे। अब इसको पुल करेंगे, अब ये क्रोशियो किया सुई की हेल्प से इसको बैक साइड में डाल के हाइड कर लेंगे। अब जो हमने साथ साथ बुनी थी ये थ्रेड भी हम कट कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे इसको इस तरह से। तो ये इस तरह हमारे फ्लावर पेटल बनते हैं। तो इस तरह से ये हमने देखिए फ्लावर बनाए और इसमें स्टेम भी बनाई है, इसके लिए ग्रीन कलर की थ्रेड का यूज़ किया है जो फ्लावर की जो डंडी होती है। तो देखिए अब हम इस पूरी ड्रेस में, मतलब सभी फ्लावर्स में बनाया है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, बहुत ही ईजी है, आप कैसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और देखिए ऐसे एक स्लिप नॉट बनाई, ये जो हमारा फ्लावर है, ये जो फाइव डबल क्रोशे हमने जहाँ पे बनाए हैं देखिए ये वाली जो जगह है, तो इसमें देखिए ये है
स्लिप नॉट को यहाँ इसके नीचे, और ये यहाँ से ऊपर से क्रोशे हुक को स्लिप नॉट को निकालेंगे यहाँ से, इस वाली जगह से जहाँ हमने सेम फाइव डबल क्रोशे बनाए थे। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमें लूप मिलेगा, देखिए ये नेक्स्ट में, और नीचे से हम ये जो थ्रेड है इसको ऊपर पुल करेंगे, ऊपर लेके आएंगे ऐसे, जैसे हम स्लिप स्टिच बनाते हैं ना ऐसे। तो देखिए इसको यहाँ लेके जाना है स्ट्रेट। देखिए जो भी लूप मिले, जैसे डबल क्रोशे जो चेन है, हमें चेन या लूप मिले इस तरह से, देखिए ऐसे, और नीचे से देखिए ऐसे बनता जाएगा ये। तो बहुत ही इजी है। इस तरह से अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप इसको स्टेम स्टिच से भी कर सकते हैं, ऐसे सुई धागे की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ तक ले आए इसको। अब जो है इसको ऊपर करेंगे, तो यहाँ से थ्रेड को कट कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा कट करेंगे, देखिए इस तरह से निकालेंगे, ये देखिए ऐसे बन गया हमारा। तो अब हम इसको बैक साइड में ले जाएंगे, इसी वाले को ये देखिए लूप में डालते हुए ये नेक्स्ट में डालेंगे, या देखिए थोड़ा बहुत ऐसे, पीछे खींचते हुए ले जाएंगे। अभी ऐसे हो गया, चाहे तो आप सुई की हेल्प से भी इसको डाल सकते हैं। अभी जो ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इसको हम ऐसे लेके आएंगे, देखिए देखिए इस वाले थ्रेड को भी चाहे तो ऐसे। अब यहाँ से हम नॉट लगा लेंगे ताकि निकले ना हमारा थ्रेड, बहुत ज़्यादा कसेंगे नहीं इसे, दो तीन नॉट लगा लेंगे। तो इसको कट कर लेंगे, देखिए हमने ये भी बनाए हैं ऐसे ही। तो देखिए ऐसे ही हमारे बन गए स्टेम्स, बहुत ही ईजी हैं। तो ये बना लेते हैं, तो देखिए इस तरह से ही हमारी ड्रेस बन गई, और ये फ्लावर स्टेम्स भी बन गए। और देखिए आप जो ये फ्लावर हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में बना सकते हैं, बहुत ही इजी ड्रेस है और बहुत ही सुंदर भी लगती है। ये मैंने अपने चार नंबर के गोपाल जी के लिए बनाया है, और बैक साइड से देखिए ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा झोलझाल भी नहीं है इस ड्रेस में। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं, और ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी पैटर्न है, सब में ये पैटर्न फॉलो करेंगे, बेस बनाएंगे और साथ में ये फ्लावर्स भी बनाएंगे इस तरह से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।